जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इस संकट को झेल रहा है, और इंडिया को अब वो समय आ गया है आत्मनिर्भर बनने का। आइए हम बात करते हैं कैडेट प्रियाशा 2 बिहार बटालियन मुजफ्फरपुर से। क्या कहती हैं ये, इनका क्या विचार है आत्मनिर्भर, क्या है आत्मनिर्भर भारत अभियान? संकट को अवसर में बदलना, ऐसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है। अब हमें इसका अनुपालन करना है। हर वो चीज जो भारत दूसरे देशों से मंगवा रहा है वो हम खुद से बना सकते हैं। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बड़े बड़े विदेशी कंपनियों के CEO इंडियंस हैं, तो फिर क्यों ना इंडिया का टैलेंट और इंडिया का पैसा हम इंडिया में ही लगाएं और इंडिया को डेवलप करें। छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने ये राखी बनाई है और ये मैं ये हमेशा हर साल बनाती हूँ। आई थिंक 3rd या 4th स्टैंडर्ड से मैं राखी बनाती आ रही हूँ और मैंने कभी भी मार्केट से राखी है मैं बगल की आंटियों को भी ये सिखाती हूँ। इससे उनका अच्छा खासा इनकम हो जाता है। इसकी कीमत 1 से 2 रुपये होगी, मगर इससे मार्केट में बेचा जाए तो इसकी 5 या 6 रुपये कीमत होगी, तो इससे उनका अच्छा खासा इनकम हो जाता है। भी मैंने ही बनाई है, ये चावल की राखी है, इसमें बस थोड़ा सा चावल कलर करके लगाया हुआ है और साड़ी की मोती लगाई हुई है। चीन से जो राखी हम मंगाते हैं उस वो राखी बहुत महंगी होती है और ये उससे सस्ती है। इसका पैसा भारत में ही रहता, जो लोग फ्री बैठे हैं वो और जो गरीब हैं उनके लिए ये अच्छा रोजगार है, वो इसको बना करके अपना गुजारा कर सकते। ये टेडी मैंने खुद से बनाई है और ये इसका कॉस्ट 60 या 70 तक आ जाता है। अगर इसको मैं मार्केट में बेचूं तो इसका कॉस्ट 150 तक सिखाती हूँ बगल की आंटियों को, जिससे उनका अच्छा इनकम आ जाता है। ये भी जरिया है खुद से इंडिपेंडेंट होने का। तो अभी तक आप सुन रहे हैं कैडेट प्रियाशा को, बहुत अच्छा लघु कुटीर उद्योग की तरफ इन्होंने एक तरीके से हमें दिखाया कि लघु कुटीर उद्योग के को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, इंडिया अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो रहा है। कैडेट प्रियाशा, ये बताएं कि ये आर्ट एंड क्राफ्ट, आप इतना अच्छा राखी भी बना रही हैं और ये टेडीज भी बनाया जिसको आपने अपने भाई को बर्थडे में गिफ्ट किया, ये सब कुछ क्या कोई क्लासेस ज्वाइन की हैं या कहाँ से आपने सीखा? नहीं, मैंने इसके लिए कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं की, ये मेरी माँ ने सिखाया है। अच्छा, तो अब मिलते हैं प्रियाशा की मम्मी से, जिन्होंने प्रियाशा को पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने पर काफी सहयोग किया है। इतना सब कुछ प्रियाशा ने किया है और प्रियाशा बता रही हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट, राखी बांधना और बनाना और टैडी बनाना, तो ये सब आपने प्रियाशा को सिखाया है? जी हाँ, जब भी खाली समय जब भी मिलता है तो मैं अपने बच्चों को ये सब बताती रहती हूँ। और अब जो स्थिति है कोरोना की वजह से, जो अभी लॉकडाउन हुआ है और इसमें बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं, लाइफ सभी का समझिए कि रुक सा गया था बीच में, लेकिन अब जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और इन सब छोटी छोटी चीज़ों से जो है हम लोग अपना जो भी जो लोग खाली बैठे हुए हैं वो लोगों को इन सब छोटी छोटी चीज़ें सिखा कर और वो अपना अर्न करते हैं इन सब चीज़ों से। और जब ये छोटी छोटी चीज़ें आगे से हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं, तो बाहर से जो भी हम लोग सामान मंगाते थे उससे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो है हम खुद आत्मनिर्भर बने और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो इतने हम लोगों को आत्मनिर्भर की ओर इतना बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को भी अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। अच्छा मैडम, ये टेडी बियर और राखी आप देख रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ों को आप बताती हैं बनाना, क्या इंटरेस्ट है आपका? जैसे आपने देखा है कि टेडी बियर
इस बच्चे ने बनाया है, मेरी बेटी ने बनाया है, और भी आरबीपी जो पैड्स हैं वो बनाते हैं, और जैसे मास्क हुआ, ये सब चीज़ें हैं जो मार्केट से हम लोग लेने जाते हैं, वो हम लोग खुद अपने यूज़ के लिए या मार्केट में सेल करने के लिए भी हम लोग बनाते मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरी देश की धरती।